हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अरब ब्लॉग्स। आज सऊदी अरब में 14 रोज़ा है, समझो। आप लोगों का मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को भी, लिए भी आपका 13 रोज़ा रहेगा आप लोगों के लिए। और आज क्या है, सऊदी लोग के बच्चे एक ही घंटा स्कूल जाते हैं, एक घंटा ही स्कूल जाते हैं समझो, क्योंकि हर दिन जल्दी आ जा रहे हैं स्कूल। मदरसे का छूटने का टाइम आके 12:30 पे, तो ये लोग जल्दी आ जा रहे। तो कल भी थोड़ा बहुत वो बात किया, वो हर दिन एक घंटे के लिए स्कूल लेके आ रहा, एक घंटे के बाद वो लेके चले आ रहा, तो करके सॉरी गाइस चले जा रहा करके बताया, ठीक है। तो अभी मैं जाएंगे मदरसे के लिए, बच्चों को लेना है, ठीक है। आप लोगों का रमज़ान कैसे गुजर रहा, कैसे गुजर रहा आप लोगों का रमज़ान बताओ गाइस, ठीक है। चलो चलेंगे, बिस्मिल्लाह। गाइस, और आप उम्मीद करता हूँ सब लोग जो है आप खैरियत से होंगे, और आप लोगों का कैसा गुजर रहा रमज़ान, क्या कर रहे हो उधर पे, इंडिया में कैसा माहौल है। इधर कभी भी इंडिया में भीड़ नज़र आती, बहुत ही किचपिच करके आवाज़ें, समोसा फ्रूट की मंडी या कोई भी हो तो ऐसा होती भीड़ नज़र आती, इधर साइलेंट रहे। रमज़ान में रमज़ान जैसा नहीं नज़र आता, ईद में ईद नज़र नहीं आता, बकरीद में बकरीद नज़र नहीं आता, इधर क्या है ये कुछ लोग साइलेंट। ईद है तो भी घर के अंदर, हम लोग थोड़ा बहुत जो ड्राइवर लोग काम करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा दोस्त लोगों के साथ जाके बिरयानी खाए या पार्टी करे, ऐसा कर रहे थे, मगर ये लोग का नहीं, ऐसा ये साइलेंट लोग, ठीक है। तो आप देखते रहो, अभी मैं जाऊँगा। देखो गाइस, साइलेंट रहेगा रोड भी, इधर रोड जो है रोड के बाहर कोई एक आदमी कोई भी नजर नहीं आता, अगर आदमी नजर आया तो काम वाला ही नजर आएगा समझो, कुछ काम के लिए होगा या गाड़ी चला रहा, ऐसा ही नजर आता। अगर घर के अंदर जो कोई आदमी है, ये लोग क्या है एसी के अंदर रहते ना, तो इन लोगों को धूप में पसंद नहीं है समझो, बाहर आके घूमना फिरना। ये लोग अगर घूमे तो भी, अगर धूप के दिनों में अगर ये बाहर जाके मॉल में जा रहे किधर भी जा रहे, तो धूप खत्म होने के बाद ही जाते समझो, ठंडी होने के बाद 4 बजे के बाद निकलते। ऐसे ये लोग जो है एसी के बिना नहीं रहते, एक मिनट भी अगर कार में आकर भी बैठे ना, तो एसी बहुत ही स्पीड बहुत कूल रहना पड़ता, बहुत ही कोल्ड रहना पड़ता जब भी एसी के साथ ही ये बैठते हैं। ये हो गया एसटीसी ऑफिस, जैसा हमारा इंडिया में वोडाफोन एयरटेल है ना, ऐसा ये ऑफिस जहाँ पे रहता, ऐसा एक एसटीसी नेटवर्क करके है, एसटीसी ऑफिस है ये। ये हो गया मदरसा, ये बड़ा वाला मदरसा, और बाजू वाला जो है छोटा वाला मदरसा, ठीक है। चलो आ गए अंदर, जाके मैसेज दिखाना पड़ता उन लोगों को, मैसेज दिखा के मैडम से बात कराना पड़ेगा, बात करा के उन लोगों को बच्चों को लेकर आएंगे। आ गए अभी वापस यहाँ पे, चलो मैं लेके आता हूँ उन लोगों को, लेके आके आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। मदरसे लड़की को मदरसे से लेना था, मदरसे से लेके जाके छोड़ दिया, छोड़ के रूम पे वापस आया, रूम पे वापस आके आज का ड्यूटी जो है पता नहीं रात में ही निकलेंगे, जैसे कल निकले थे, कल का मैं वीडियो नहीं बनाया समझो, ठीक है। रात में ये लोग 9 बजे 10 बजे के बाद निकल रहे हैं, 12, 1, कभी 2 ऐसा कर रहे हैं आने के लिए वापस। तो आज मैं ये लोग अगर गए ना तो आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पे जाएंगे करके। अभी बज रहा 5:40 हो गया, तो हमारा रमज़ान शरीफ का 14 रोज़ा है आज, यानी 14th रोज़ा है, तो इसीलिए इफ्तारी का जो आइटम है वो खरीदने जाना, तो आप लोगों को बताऊंगा आज मैं क्या लेकर आऊंगा करके, ठीक है। चलो बताता हूँ मैं क्या किया, गए जाके सो गया था समझो, दोपहर में मेरा डेली काम सोने का है समझो, अगर ड्यूटी नहीं है तो जाके मैं सो जाता हूँ, सो के आराम से उठ के 5 बजे ऐसा 5:30 निकलता हूँ, क्योंकि पानी के लिए ना के आने फ्रेशअप होके निकल जाता हूँ, फ्रेशअप होके इफ्तारी के लिए जाता हूँ, जाके नमाज पढ़ लेता हूँ पहली बात तो, असर की नमाज पढ़ लेके निकलता हूँ इफ्तारी का जो आइटम होता है वो लेने के लिए, वो लेकर सीधा आबिद के रूम में जाना, तो इफ्तारी करके नमाज पढ़ना मगरिब का, उसके बाद में
उधर ही ऐसा ही बैठ के रहते हैं सब लोग हम लोग। उसके बाद में क्या करते हैं, ऐसा ही ईशा की तरावी हो जाती है, यानी ईशा का टाइम हो जाता है, ईशा की नमाज, नमाज के बाद तरावे, 9 बजे के बाद 9 बजे खत्म हो जाता है, एक ही घंटा तरावी होती है, 8 बजे से 9 बजे तक तरावी खत्म। और नमाज तरावी के बाद ड्यूटी लग जाती, समझो 9:15 या 9:30 तक कैसे भी फोन आता जाता डेली। फोन आ गया तो अगर चले गए तो समझो एक भी लगता, कभी कभी दो भी हो जाता, टाइम लग जाता। ये जो नजर आया आप अभी, आप जो पहले अभी जो आप लोगों को नजर आया, जो आदमी जो गया गाड़ी में जो ढकल ले गए, यानी वो आके साफ सफाई करने वाले बल्दिया वाले लोग, यानी कचरा साफ करने वाले लोग इधर पे हर गली हर रोड में मिल जाते। इन लोगों का हर शिफ्ट होता है समझो, हर जगह शिफ्टिंग रहता, 24 घंटा, रात में भी रहते ये, दिन में भी रहते। इधर हर जगह जो येलो कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा, ऐसे बॉक्सेस और ड्रम जो होता ना, ड्रम येलो, जो येलो कलर का ही ड्रम आता समझो, ब्लू आता है इंडिया में, येलो आता, बहुत कुछ कलर आता है, मतलब यहाँ पे येलो कलर का ड्रम जहाँ पे भी दिखता है वो आके जिबाला डालने का, यानी गार्बेज डालने का, वो देखो हर जगह मिल जाएगा, हर एक एक 100 मीटर्स में सब जगह कचरा डालने के लिए मिल जाएगा। इधर सऊदी अरब में ट्रैफिक बहुत है गाइस, ये यू टर्न करने के लिए मसला होता है इधर अबू बकर में, तो बहुत मुश्किल होता है भाई, बहुत तकलीफ हो रहा। उधर राइट साइड में जाने के लिए लोग नहीं जाते, लेफ्ट यू टर्न लेने वाले लोग भी इधर लेफ्ट साइड में आके रुक जाते, तो इसीलिए ट्रैफिक के लिए मसला हो जाता है। आज मैं सामान खरीदा नहीं, आज इफ्तारी आके होटल में ही कर लेंगे घर के सोचा, तो इसीलिए सब लोग बाहर हैं, अभी फोन आया नहीं उन लोगों का, तो इसीलिए आज होटल में इफ्तारी का इंतज़ाम कर लेंगे करके सोचा, तो मैं जा रहा हूँ अभी होटल पर इफ्तारी के लिए। ठीक है, आप देखते रहो। आज देखो ये होटल में इंतज़ाम हुआ, तो ये सब कुछ रहेगा, ठीक है, आप देख लो, बता रहा हूँ। हाँ, होटल में सब लोग बैठ के आएगा, ठीक है, चलो इफ्तारी का इंतज़ाम हो गया, इफ्तारी में मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, आज का 14 रोज़ा ख़त्म हुआ हमारा, नमाज भी पढ़ लिया, अभी जा रहा हूँ मेरी गाड़ी के पास में। आज होटल में कर लिया क्योंकि इधर आया था सामान खरीदने, तो मूड चेंज हो गया, मूड चेंज हो के क्या हुआ, इफ्तारी इधर ही कर लिया होटल पर, तो इसीलिए अभी जाकर देखेंगे वहाँ पे आबिद के रूम के पास, ऐसा ही बात करके वापस रिटर्न आ जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया गाइस, आज इफ्तारी के लिए गया था, आबिद को फोन किया था, कई को मूड ऑफ हो गया बोले तो, वीडियो में नहीं बताया था, तो मैडम का फोन आके रोजे के टाइम में इफ्तारी के टाइम में बराबर सामान मंगाया, इसीलिए होटल में ही जाके कर लिया, इसीलिए आज यहाँ पे नहीं आया। इधर आया तो सब लोग आईपीएल का मैच चल रहा, मैच देख रहा, तो फैसल भी मैच देख रहा, मैच चल रही, इधर सब लोग बैठे, मैच चल रही, ठंडा पी रहे, हमलियात मिरिंडा दिखाता हूँ, देखो यहाँ का मैच देख रहा है, बांग्लादेश का आदमी बहुत इंटरेस्ट से देखता है मैच, कितना अच्छा कैसे याद आ रहा, वो रिचार्ज में लगा है, आबिद भी है देख रहे, चलो देखते रहो। ये हमारा फैसल है, बहुत इंटरेस्ट से देखता मैच, किसका किसका टीम चल रहा है, पंजाब और राजस्थान रॉयल, तो किसका टीम को सपोर्ट कर रहा, रॉयल मतलब राजस्थान को, राजस्थान को सपोर्ट कर रहा है। उधर खान साहब उधर बैठ के हैं, अभी ललन आ गया, आज पैंट और शर्ट के साथ खड़ा समझ गाइस। रमजान में रोजा खोलने के लिए हमारे कफील के जो घर वाले लोग हैं, मैडम उनके बच्चे सब लोग आके इस तरह चले गए, यानी रिजॉर्ट चल गए, सब लोग रिजॉर्ट में हैं, तो मेरे को अभी रिजॉर्ट आने के लिए बोले, तो मैं ईशा नमाज गया था, नमाज पढ़ के आया तो मैसेज आ करता, देखो ये एक ये लेके आया, कुरियर आया, सॉरी ये लेके आया, ये ऑर्डर करके थे ऑनलाइन से, ये खाने का चीज़ है, फलाफिल और कुछ है उसमें, वो लेकर और पानी का एक कार्टून लेकर सीधा रिजॉर्ट आओ करके बताया। ठीक है, अभी मैं रिजॉर्ट के लिए जा रहा हूँ, इन लोगों को रिजॉर्ट में देने का है ये, ठीक है, देकर वापस आना पड़ता या उधर ही रुकना पड़ता, क्या है पता नहीं,
गाइस थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। अभी चलेंगे इस तरह के लिए, आप लोगों को बताता हूँ, तुमामा रोड में जा रहा हूँ मैं, ठीक है गाइस। मैं रिजॉर्ट के लिए निकल गया, जो हमारे कफील का जो खुद का रिजॉर्ट है उसका, तो रिजॉर्ट के लिए जा रहा हूँ। देखो ये इफ्तारी के लिए रिजॉर्ट के लिए चले गए। ये अपोजिट जो नजर आ रहा पार्क एवेन्यू करके ये मॉल है, बहुत ही बड़ा मॉल है और यहाँ पे थिएटर भी है समझो। अभी मैं तुमामा में हूँ, बज रहा अभी 9, मुमकिन अभी आने तक मेरे को लगता 1-2 बज जाता, तो इनको लेके जाके सामान देना पड़ेगा, उसके बाद में रिटर्न, पहले उन लोगों को पूछना पड़ता उसके बाद में आने का सोचेंगे, ठीक है। क्या है खुद का अगर रिजॉर्ट है, खुद का इनका जो फार्म हाउस जैसा है ये, तो कभी कभार ये चले जाते उधर अंदर, स्विमिंग पूल से लेके बहुत कुछ है उधर। मैं वो वीडियो रखे हूँ मगर अपलोड नहीं कर सकता जब तक, क्योंकि यह मना है, वो घर के अंदर का ये सब कुछ वो नहीं ले सकते, आप दिखा नहीं सकते, पब्लिक नहीं कर सकते, इसीलिए नहीं तो आप लोग मैं अपलोड कर देता वो वीडियो को भी। वीडियो तो ले लिया अंदर, जब मैं गया था परसों, एक बार गया था थोड़े दिन पहले गया था, वो जो मैनेजर है जो साफ सफाई पूरा देखभाल ही जो मेंटेन करता रिजॉर्ट का, उसको पूछ के ही मैं परमिशन उससे लेके ही पूरा वीडियो बना लिया, मगर अपलोड नहीं किया। अपलोड क्यों नहीं किया, पहले पूछा मैं ममनू है करके बताया, इसीलिए अपलोड नहीं किया, नहीं तो मैं वो भी बता देता पब्लिक में। मतलब अंदर का बहुत ही माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, इस तरह बोले तो इधर के रिजॉर्ट को इस तरह बोलते हैं, इस तरह में ये लोग अभी मुर्गी बना के खाते हैं उधर, फहम यानी बकरा, बहुत कुछ चीजें, इन लोग स्विमिंग पूल है अंदर, बहुत कुछ है अंदर, तो बच्चे झूले झूलने के लिए है, खुद का है ना, और ये किसी को और नहीं देते, फैमिली के लिए अलग से सेपरेट बनाए समझो। तो अभी मैं जा रहा हूँ मैडम को देने के लिए, उसको दे के बाद में मैं बताता हूँ, ठीक है, वहां पे जाके बताता हूँ उनको, वहां पे जाके मैं चालू करता हूँ, ठीक है। वैसे आ चुके हैं हम लोग इस तरह में, यानी कफील के रिजॉर्ट में, यही है देखो कफील का रिजॉर्ट, यहाँ से पीछे तक है, उधर मैनेजर खड़ा है, इस साइड से इस कोने तक ये रिजॉर्ट है मेरे कफील का, जो खुद का फार्म हाउस जैसा है ना, ये लोग इधर ही रहते हैं अभी, आज की सहरी शायद ये इधर ही करते हैं समझो। तो मैं सामान देना था दे दिया, तो अभी चलेंगे हम लोग, मेरा काम तो हो गया, अभी कफील से बात करना, कुछ फ़ोन किया था तो बात करेंगे इंशाल्लाह। गाइस आज का वीडियो लंबी हो जाएगा, ठीक है, बिना स्किप करके वीडियो देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइस अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आपका रोज़ा कैसा गुजर रहा बताओ, आज इधर 14 रोज़ा हो गया, आप लोगों का 13 होकर रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मा सलामा।